हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मेरे पास बाइक भी नहीं है, कार भी नहीं है, तो मैं पैदल जा रहा हूँ। और कॉल किया है, अभी एक दोस्त आ रहा है पिकअप करने के लिए। मैं वॉक करके जा रहा था सुबह सुबह, बहुत अच्छा नज़ारा है, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से है सुबह सुबह का नज़ारा। आपको दोस्तों जूनागढ़ में 80-85% आपको यहाँ पे पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे, मतलब हरियाली है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा है जूनागढ़ में रहने के लिए, और जो एटमॉस्फियर यहाँ का हवामान रहता है, बहुत ही शुद्ध हवामान रहता है। मैं दोस्तों इससे पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, इससे पहले मैं रह रहा था राजकोट में। राजकोट में ऑलमोस्ट मैंने 9 ईयर कंप्लीट किया वहाँ पे, लेकिन जो जूनागढ़ में आके मुझे मज़ा आया रहने के लिए, ऐसा मज़ा कहीं पे भी नहीं है। ओसम जूनागढ़ में नज़ारा है और ओसम एटमॉस्फियर है, मतलब आपको मज़ा ही आएगा। हाँ, एक बात अलग है कि यहाँ पे जो गर्मी है बहुत ज़्यादा पड़ती है, मतलब टेम्परेचर है 45 डिग्री तक का तापमान रहता है, क्योंकि यहाँ पे पास में गिरनार पहाड़ है, तो उस हिसाब से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन जो आपको मज़ा आएगा सर्दियों के मौसम में और बारिश के मौसम में, वो अलग ही है। तो अभी आगे ट्रेन का फाटक पड़ता है, तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम है। दोस्तों ये छोटा सा ही ब्लॉग है अभी, तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही ब्लॉग आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे, मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।